हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता। एसएस वर्ड जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आर्टिस्टिक टेक्स्ट के बारे में। ये देखिए, ये बना हुआ है टेक्स्ट टूल। इसको बोलते हैं टेक्स्ट टूल। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो दबा हुआ पॉइंट दिखता है, इसका मतलब है कि ये हमने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लिया है। टेक्स्ट टूल में दो मोड होते हैं, पहला आर्टिस्टिक टेक्स्ट, दूसरा पैराग्राफ मोड। तो आज की वीडियो हम जानेंगे आर्टिस्टिक टेक्स्ट के बारे में। उसके लिए क्या है, जब भी हम टेक्स्ट टूल को लेते हैं और कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं, जैसे ये हमने क्लिक किया है, अब हम यहाँ से कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने ये टेक्स्ट को टाइप किया है और एंटर जितनी बार दबाया है उतनी बार ये नेक्स्ट लाइन बनती गई है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें ये एक पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम अगर हमें यह इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है तो हम इसके साइड में क्लिक कर देते हैं और माउस का बटन दबाए हुए इसको ड्रैग करते हैं। जहां तक भी आपको सिलेक्ट करना है वहां तक आप माउस का बटन दबाए हुए ले जाइए। और जैसे कि हमने यहां पर तक सिलेक्ट करना है तो हमने इसको ये यहां पर छोड़ दिया, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब आप इसमें जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे कि इसकी राइटिंग चेंज करना चाहते हैं आप, राइटिंग चेंज हो जाएगी, इसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, तो ये सारी चेंजिंग आप इसमें कर सकते हैं। अब जैसे कि ये अभी ये एक ब्लॉक बना हुआ है, अब हमने ये दूसरा ब्लॉक बना दिया, तो अब ये एक ब्लॉक सिलेक्ट है। आप चाहें कि इसमें जो भी चेंजिंग करते हैं वो ऊपर वाले में भी एप्लीकेबल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऊपर वाले में भी एप्लीकेबल करना है यही चेंजिंग को, तो आपको शिफ्ट के साथ ऊपर वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद जो भी चेंजिंग आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमें ये फर्स्ट वाली लाइन को सिलेक्ट करना है पूरी, तो हमने क्या किया, टेक्स्ट टूल को लिया और यहाँ कहीं पर भी हम सिलेक्ट कर क्लिक कर देते हैं। एक बार ये जो लाइन है जो हमें सिलेक्ट करनी है उसके बीच में हम कहीं पर भी एक बार क्लिक कर देते हैं, तो ये क्लिक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमें पूरी लाइन लेनी है, मतलब पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है, तो या तो होम पेज को क्लिक कर दीजिए तो ये हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग में कर्सर आ जाएगा, या एंड को क्लिक कर दीजिए तो ये बिल्कुल लास्ट में कर्सर आ जाएगा। अब आप कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करते हुए और लेफ्ट साइड की एरो की को प्रेस करेंगे, जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप प्रेस करते जाइए। या तो आप शिफ्ट की को प्रेस करते हुए होम की को एक बार प्रेस कर दीजिए तो ये सारा स्टार्टिंग तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसमें जो भी चेंजिंग करना चाहें, इसमें हम चेंजिंग करते हैं, इसको बोल्ड करते हैं, इटैलिक, ये अंडरलाइन, ये चेंजिंग हो गई। इसके हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए ये हो गया। तो ऐसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम जानते हैं फॉन्ट के बारे में। ये देखिए, ये हमारे कुछ फॉन्ट दिए हुए हैं। कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होता है, जिनकी वजह से उनका ये नाम दिया हुआ होता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये फर्स्ट है, इसका नाम यहाँ पर दे रहा है एरियल, और ये सेकंड वाला है, इसका नाम यहाँ दे रहा है स्विच 721 WGL4BT। दोनों देखने में सेम है लगभग, पर इन दोनों के नेम अलग हैं, तो ये थोड़ी बहुत इनमें डिफरेंस है। जैसे कि ऊपर वाला एरियल है वो थोड़ा पतला है और ये नीचे जो स्विच वाला है वो थोड़ा सा मोटा है, इसकी वजह से इनका नाम अलग पड़ा हुआ है। अब ये वाला देखिए, ये हमारा है टाइम्स रोमन का और नीचे ये वाला है एरोस बीटी का, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जिनकी वजह से इनका नाम अलग अलग दिया होता है। इनके साइज को देखते हैं, इनको जो लेटर है, ये जो वर्ड है, इनको अपन कैसे मीज़र करते हैं। इनको मीज़र करने के लिए, जैसे कि आपने ये देखा, ये एक लिखा हुआ है पूरा, इसमें आप ये देखिए ए स्मॉल है, बहुत छोटा है, उसके बाद एच है, ये एच भी स्मॉल है, लेकिन अपन जब इसको मीज़र करेंगे तो ए को लेकर मीज़र नहीं करेंगे, इसको अपन एच को लेकर मीज़र करेंगे। और ये जो मीज़रमेंट होता है कैरेक्टर का या वर्ड का, वो MM में होता है, तो 1 MM बराबर होता है 4 पॉइंट, अप्रोक्स 4 पॉइंट होता है, और हिंदी में 1 MM बराबर 5 पॉइंट होता है। अब जैसे कि ये हिंदी लिखा हुआ है, अब इसमें ये जो इसका मीज़र करेंगे तो हा को लेके मीज़र नहीं करेंगे, इसको दा को लेके मीज़र करेंगे, क्योंकि हा की जो नीचे वाली लाइन है वो थोड़ी बाहर निकली हुई होती है,
इसलिए या तो दा को लेके मिसा करेंगे या जो मात्रा लगी है बड़े आ की इधर, मतलब ऊपर वाली मात्रा नहीं नीचे वाली मात्रा जो है उसको लेकर मिसर करेंगे। अब सीखेंगे हम अंडरलाइन और बाकी इफेक्ट के बारे में। जैसे कि ये दिया हुआ है अंडरलाइन, हमने अंडरलाइन को सिलेक्ट किया। या तो आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ए बना हुआ है ऊपर प्रॉपर्टी बार में, इस पर क्लिक कर दीजिए, या टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट प्रॉपर्टी पर क्लिक कर दीजिए, या कीबोर्ड से कंट्रोल टी कर दीजिए तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन होकर आती है छोटी सी। इसमें अंडरलाइन और बाकी इफेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि हमने ये अंडरलाइन लिखा हुआ है, अभी इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है। अब देखिए हमने अंडरलाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये यू बना हुआ है, इस यू के नीचे एक एरो बना हुआ है त्रिकोण सा, इस त्रिकोण पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये छुपे हुए जो टूल्स हैं वो ओपन होकर आते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला दिया है सिंगल थिन, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक थिन लाइन आती है इसके नीचे, ये देखिए एक लाइन आ गई है। फिर हम उसी पर जाएंगे, अब ये लिखा हुआ है सिंगल थिन वर्ल्ड, ये देखिए सिंगल थिन वर्ल्ड का मतलब है कि जो एक एक वर्ल्ड है उसके नीचे अलग अलग लाइन आएगी, एक साथ लाइन नहीं आएगी। फिर देखिए उसके नीचे नेक्स्ट सिंगल थिक, सिंगल थिक का मतलब है कि सिर्फ एक ही लाइन आएगी, वो भी मोटी सी लाइन आएगी। अब उसके नीचे है सिंगल थिक वर्ल्ड, अब ये देखिए सिंगल थिक वर्ल्ड का मतलब है कि हर एक वर्ल्ड के नीचे थिक लाइन आएगी। फिर है डबल थिन, यानी कि पूरी जो अंडरलाइन लिखा हुआ है उसके नीचे दो लाइनें बनकर आ गई हैं थिन। अब है डबल थिन वर्ल्ड, ये देखिए डबल थिन वर्ड का मतलब हो गया है कि डबल लाइन तो आई है लेकिन अलग अलग वर्ड पर आई है, एक साथ नहीं आई है। इसमें अपन इसका अपन यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अपन इसको फॉन्ट लिस्ट में जाके इसकी राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब एक ही विंडो में काफ़ी सारे इफेक्ट दिए हुए हैं। देखिए यहाँ से आउटलाइन भी इसकी ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये ए और बी लिखा हुआ है, इसके नीचे एक त्रिकोण बना, उस पर क्लिक किया तो यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शन खुल कर आते हैं। इसका मतलब है देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल कैप्स, अगर हम ऑल कैप्स पर क्लिक करते हैं तो ये अंडरलाइन जो लिखा हुआ आता है स्मॉल में वो सारा कैपिटल में हो गया है। अब दूसरा नंबर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है टाइटलिंग कैप्स। टाइटलिंग कैप्स का मतलब है ये पहला कैरेक्टर है जो वो कैपिटल में आएगा, बाकी सारे स्मॉल में आएंगे। फिर उसके बाद है स्मॉल कैप्स ऑटो, स्मॉल कैप्स ऑटो का मतलब है कि जो पहला कैरेक्टर है वो तो बड़ा है और कैपिटल में है लेकिन जो सारे और उसके बाद के जो लेटर कैरेक्टर हैं वो रहेंगे तो कैपिटल में पर वो स्मॉल में आएंगे। इसके बाद है ऑल स्मॉल कैप्स, ऑल स्मॉल कैप्स का मतलब है कि सारे ही स्मॉल आएंगे लेकिन आएंगे कैपिटल में। उसके बाद है स्मॉल कैप्स फ्रॉम कैप्स, इसका मतलब है कि ये जो पहला लेटर है वो कैपिटल में आएगा बाकी सारे स्मॉल में आएंगे। फिर है ऑल कैप्स सिंथेटाइज, इसका मतलब है कि पहला जो कैरेक्टर है, पहला जो लेटर है वो कैपिटल में आएगा और जो बाकी हैं वो भी कैपिटल में आएंगे पर वो स्मॉल में आएंगे। इसके बाद यहाँ ये देखिए ये एक्स की पावर स्क्वायर लगा हुआ है, ये पोजीशन को डिफाइन करता है कि जैसे कि हमने ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट किया है, जैसे हम इसको यहाँ से सेव टूल लेते हैं और फिर किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने ई को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर आकर हम त्रिकोण पर क्लिक किया और यहाँ हमने कर दिया सुपर स्क्रिप्ट, तो देखिए ई हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब जैसे हमने यहाँ आई को सिलेक्ट किया और इस पर गए, हमने यहाँ कर दिया सब स्क्रिप्ट, आई हमारा सब स्क्रिप्ट हो गया, ई को जो हमने किया था वो हमारा हो गया सुपर स्क्रिप्ट और आई हमारा हो गया सब स्क्रिप्ट। इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उनको यूज़ कीजिए। ये देखिए जैसे कि हमारा पोजीशन लिखा हुआ है, इसको हम सेव टूल को लेते हैं और इसमें हमें अगर मल्टीपल सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ एन सेलेक्ट किया, उसके बाद अब हम चाहते हैं कि एन के साथ टी भी सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस कर लीजिए और टी पर क्लिक कर दीजिए, ये टी सिलेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि एस भी सिलेक्ट हो तो एस को सिलेक्ट कर लीजिए।
अब ये जो हमने मल्टीपल सिलेक्शन किया हुआ है, अब आप इस पर जो भी वर्क करेंगे वो तीनों पर एक साथ ही होगा, जैसे कि हमने इसको किया है सुपर स्क्रिप्ट, तो ये देखिए ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब हम इसी को हम कर देते हैं सबस्क्रिप्ट, तो ये देखिए सबस्क्रिप्ट हो गया। तो आज हमने जाना आर्टिस्टिक टेक्स्ट के बारे में। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और आपको इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।